नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि यदि आयत का विकर्ण तथा आयत का क्षेत्रफल क्रमशः 10 मीटर और 48 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आयत की हुई है तो पहले तो हम आयत को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आयत हो गया। अब उसने कहा कि आयत का विकर्ण हमको दिया है, यह है 10 मीटर और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 48 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 48 वर्ग मीटर और विकर्ण है 10 मीटर। हमसे पूछा है कि आयत की लंबाई क्या है। ठीक है, तो हमें आयत की लंबाई निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो उसने विकर्ण दिया है हमें, विकर्ण बराबर 10 मीटर। अब लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर जो होता है वह होता है विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और विकर्ण है 10 तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा। अब दूसरी चीज भी उसने हमें दी है कि जो इसका क्षेत्रफल है वह कितना है, 48 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 48 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल इंटू बी की वैल्यू है 48 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 100। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे और एक बार इसी फॉर्मूले में हम माइनस करेंगे तो यह माइनस हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले से हम एक बार इसको लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100, तो यहाँ रख देंगे हम 100 प्लस 2 गुणे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है 48, तो 48 दूना कितना होता है 96, तो टोटल हो जाएगा 196। और 196 किसका वर्ग होता है, यह होता है 14 का वर्ग। तो L प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 14। इसको दे देंगे समीकरण ए। ठीक है, तो यहां से हमको L प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अब एक बार यही फॉर्मूला हम माइनस के रूप में लगा देंगे, L स्क्वायर माइनस नहीं, L माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। यह हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी, इसकी वैल्यू है 100 रख दी, माइनस 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू है 48, तो 48 हमने कर दी। तो 100 माइनस 96 बराबर में आ जाएगा 4, तो एल माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो एल माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 2। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण एक और समीकरण दो, यहाँ एल प्लस बी बराबर 14 है, यहाँ एल माइनस बी बराबर 2 है। हम एक और दो समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एल प्लस बी बराबर 14 और एल माइनस बी बराबर 2, यहाँ बी से भी खत्म हो जाएगा, 2l बराबर 16, तो l बराबर 16 भागे 2 बराबर हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो लंबाई यहाँ निकल के कितनी आ गई, लंबाई आ गई 8 मीटर। ठीक है, तो सवाल को जैसे कि हमने कल सवाल लगाया था वही वाला सवाल है कि इसमें विकर्ण दिया गया था और क्षेत्रफल दिया गया था। तो हमने विकर्ण की सहायता से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो कि 100 आई, और क्षेत्रफल की सहायता से एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू निकाली जो कि 48 है। ठीक है, ये दोनों जब वैल्यू हमें मिल गई तो एक बार हमने फॉर्मूला लगा दिया एल प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगाया एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एल प्लस बी बराबर आया 14 और एल माइनस बी बराबर आया 2। दोनों समीकरण को जोड़ दिया, बी से भी कट गया,
2L बराबर 16, तो L बराबर 8 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।